श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यदि ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायति। मर्दात्माओं, पद्मनंदी पंजवी सत्का में देश वृत द्योतन अधिकार सातवा, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण विषय आज सुनाऊँ। आचार्य देव क्या कहते हैं कि यत्र श्रावक लोक एष वसति तत्र चैत्यालयो, यस्मिन् सोस्ति तत्र संतयतयो, धर्मश्च तैर्वर्तते, धर्मे सत्यग संचयो विघटते, स्वर्गापवर्गश्रियं सौख्यं भाविन्द्रणां ततो गुणवतां सुश्रावका सम्मताः। आचार्य देव चैत्यालय की महिमा बता रहे हैं। चैत्यालय जिन मंदिर मंदिर की महिमा बता रहे हैं कि यत्र श्रावक लोक एष वसति, जहाँ श्रावकों का आश्रय होता है, श्रावक जहाँ जाकर रहते हैं, यानी धर्म का संचय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और यस्मिन सोस्ति, और जहाँ पर यतियः धर्मस्य तैर्वर्तते, जहाँ पर साधुगण आते जाते रहते हैं, मंदिर है, जहाँ जिन मंदिर है बिना बुलाए साधु पहुँच जाते हैं, उनको कोई अपेक्षा नहीं रहती कोई हमें बुलाए भगवान के दर्शन के लिए, चाहे तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गाँव हो, शहर हो, साधु भगवान के दर्शन के लिए बिना बुलाए तीन लोग के नाथ जिन्हें भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुँच जाते हैं, और इसलिए धर्म चतैर वर्तते, इसलिए उन साधु और साधुओं के द्वारा धर्म की प्रवृत्ति होती है, धर्म का उपदेश देते हैं। तो भव्यात्माओं, धर्मे सति अघसंचयो बिघटते, और धर्म के होने पर पापों का समूह नष्ट हो जाता है, और स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए भव्यात्माओं, मंदिर महत्वपूर्ण इस पंचम काल में। काले दुखम संग के जिनपते धर्मे गते क्षीणताम, इस पंचम काल में धर्म क्षीण हो रहा है, धर्म अल्प हो रहा है, धर्म बहुत कम लोग धारण कर रहे हैं। ऐसे पंचम काल में मिथ्यात्व रूपी अंधकार छाया हुआ है। ऐसे समय में चैत्य चैत्य ग्रहे च भक्ति सहितो यह सोपि नो दृश्यते, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ उनमें जो भक्ति सहित श्रावक उनकी वंदना करते हैं वो बहुत कम देखे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यस्तत् कारयते यथा विधि पुनर्भव्यः सबन्यस्ताम, और जो भव्य जिन प्रतिमा और जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं, समझ लीजिए वो भव्य है और सताम वंद्यः, सज्जन पुरुषों के द्वारा वंद्य है, पूज्य है, आदरणीय है। भव्यात्माओं, जो इस पंचम काल में जिन प्रतिमा और जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं वो श्रावक बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली हैं, और विद्वानों के द्वारा भी स्तुति के पात्र हैं। आचार्य जो कितनी सुंदर बात कहते हैं, देखिए आप, बिंबादलोन्नति यवोन्नति मेव भक्त्या, बिंबादलोन्नति यवोन्नति मेव भक्त्या, ये कारयन्ति जिन सद्म जिना कृतिम च। कितनी सुंदर बात कहते हैं। बिंबादल, कुंदरू का पत्ता, छोटा सा पत्ता, उसके बराबर जो जिन सद्म कारयन्ति, जो जिन मंदिर बनवाते हैं, और यवोन्नति मेव भक्त्या, और जो के बराबर जिन प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। पुण्यम तदीहमिह वागपि नैव शक्ता स्तोतुम परस्य किमुकारयितुर्दयस्य। भव्यात्माओं, जो जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं कुंदरू के पत्ते के समान बराबर छोटा सा मंदिर और जौ के बराबर प्रतिमा, उनके पुण्य का वर्णन वचनों से नहीं कहा जा सकता है। सरस्वती देवी भी उनके पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकती है। और जो दोनों कराते हैं, मंदिर बनवाकर प्रतिमा विराजमान कराते हैं, वो महान पुण्यशाली हैं। भव्यात्मा, इसी बात को अन्य ग्रंथों में भी खूब अच्छी तरह बताया है। जैन रामायण में भी, पद्म पुराण में भी द्वितीय आचार्य ने भरत के लिए यही बताया कि सचमुच में तीनों लोगों का पुण्य, जितना भी कोई एक व्यक्ति पुण्य संचित करता है अपने जीवन में, जप करके, अनुष्ठान करके, अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके, अनेक प्रकार के तपस्या करके, और खूब पुण्य का संपादन करता है, वो सारा पुण्य उठा करके एक पलड़े में रख दो, और एक पलड़े में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का
निर्माण कराने का पुण्य रख दो तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण ये पुण्य क्यों? क्योंकि जिन प्रतिमा के जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, जिन बिंब के दर्शन से जन्म जन्म में किए हुए पाप अनंत अनंत पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पलायमान हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। दर्शन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम सतथा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। षटखंडागम में धौला जैसे ग्रंथ में पंक्ति आई है कि भगवान के दर्शन से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, और इतना पुण्य का संचय होता है, इतना पुण्य का संचय होता है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भव्यात्मा एक बार के दर्शन से, और यही कारण है कि श्रावक गृहस्थ उसका नियम रहता है कि भगवान के दर्शन के बगैर हम भोजन नहीं करेंगे। तमाम आज भी ऐसे गृहस्थ हैं जो भगवान के दर्शन का जिनका नियम है, देव दर्शन का जिनका नियम है, देव दर्शन के बगैर हम लोगों ने बचपन में अनुभव किया है संस्कार, कुछ पूर्वजन्म का पुण्य होगा, ऐसे संस्कार बचपन से प्राप्त हुए कि बिना देव दर्शन के घर में नाश्ता नहीं दिया जाता था। माँ कहती जाओ पहले दर्शन करके जाओ, मुट्ठी भर चावल लेके जाओ, भगवान को चढ़ाना, रमोकार मंत्र जपना और दर्शन पाठ स्तुति पाठ पतित पावन मैं अपावन आदि स्तुति पढ़ करके आना, फिर नाश्ता मिलेगा, फिर दूध मिलेगा, फिर खाना मिलेगा। तो भव्यात्मा आज भी ऐसे संस्कार अनेकों में हैं, और ऐसे भी हैं कि जो गृहस्थ जिनके मंदिर घर से लगा हुआ है फिर भी दर्शन नहीं करते हैं बरसों, ऐसे भी हैं। मैंने कई बार उनको संबोधित किया, भव्यात्माओं उबले हम तो घर में बैठे बैठे पूजा सुनते रहते हैं, लोग पूजा करते हैं कान में हमारे आवाज़ आती रहती, अरे पुण्य है तुम्हारा पूजा सुन रहे हो, पुण्य मिल रहा है, लेकिन जाकर भगवान के हाथ जोड़ कर आओ, दर्शन करके आओ और पुण्य मिलेगा। तो भव्यात्माओं देव दर्शन की भावना ये भी बड़े पुण्य के योग से होती है। आप नियम करें देव दर्शन करने का कि प्रतिदिन जहाँ मंदिर नहीं वहाँ की छूट करें, बीमारी अवस्था की छूट कर लें, विशेष परिस्थिति की छूट कर लें, बाकी देव दर्शन के बगैर हम अपने जीवन में नहीं रहेंगे, प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, ये नियम करें आप। देव दर्शन का पुण्य अचिंत्य है। मिथ्यात्व के सौ सौ टुकड़े करके और सम्यक दर्शन प्रकट करता है, और अनंत पुण्य का संपादन कराकर परंपरा से आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है देव दर्शन। देव दर्शन की महिमा ही है ये दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ये स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है और मोक्ष के लिए साधन है। भव्यात्मा मुनियों के लिए भी आचार्य श्री शांत सार महाराज, उन्होंने अपने जीवन में कभी बिना देव दर्शन किए, बिना भगवान का अभिषेक देखे कभी आहार नहीं लिया। आचार्य श्री वीर सार महाराज, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, मैंने स्वयं देखा है, अनुभव किया है, और मैंने भी अपने जीवन में जब से होश संभाला है बिना दर्शन के कभी भी गृहस्थाश्रम में भोजन नहीं किया था, और आज साधु जीवन में कभी भी आहार नहीं लिया है। तो भव्यात्माओं साधुओं के लिए भी देव दर्शन महत्वपूर्ण है। गुरु परंपरा आचार्य देव की आज्ञा, आचार्य श्री शांत सार महाराज जो इस युग में इस शताब्दी के प्रथम आचार्य हुए हैं, महान तपस्वी जिन्होंने अपने 36 वर्ष के लगभग मुनि जीवन में लगभग 25.5 वर्ष तक जिनके उपवास के व्यतीत हुए हों, ऐसे तपस्वी महासाधु जिन्होंने कुंथलगिरी में 36 दिन की संलेखना प्राप्त की और विधिवत ओम सिद्धाय नमः करते हुए शरीर को छोड़ा है, रटते हुए उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ा है। मैं स्वयं उस समय कुंथलगिरी में छिड़का अवस्था में मौजूद थी, मैंने स्वयं उनकी संलेखना देखी अपनी आँखों से, और एक वर्ष तक मैंने एक वर्ष में 3 बार जाकर उनके गुरु के दर्शन किए हैं, 1 महीने उनके चरण सानिध्य में रही हूँ, और लगभग 2 वर्ष तक आचार्य श्री वीर सार जी महाराज उनके प्रथम शिष्य उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भव्यात्माओं जिन दर्शन की महिमा, जिन मंदिर को निर्माण कराने की महिमा, जिन प्रतिमा को निर्माण कराने वालों की महिमा यहाँ बताते हुए आचार्य कहते हैं, सचमुच में कुंदरू के पत्ते बराबर मंदिर कौन बनवाएगा और जौ के बराबर प्रतिमा कौन बनवाएगा, ये तो महिमा बता रहे हैं। और आज मांगी तुंगी में
पर्वत पर, पर्वत को छांट कर, पर्वत को काट कर 108 फुट की मूर्ति बनाई जा रही है। भव्यात्माओं, मैं समझती हूँ सचमुच में उसमें योगदान देने वाले भव्यात्मा श्रावक भव्य महान पुण्यशाली हैं जो ऐसी विशाल मूर्ति के निर्माण में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं और तन और मन और धन लगा रहे हैं। सचमुच में ये जिन प्रतिमा भी भगवान ऋषभदेव भी विश्व के लिए एक अतिशय चमत्कारिक सिद्ध होंगे। सचमुच में पंचम काल में धर्म है तो मंदिर का दर्शन, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं के दर्शन में महान धर्म और महान पुण्य है, हमेशा ध्यान में रखिए। तो आचार्य देव यहाँ पद्मनंदी आचार्य देव बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, बिंबादलोन्नति यवोन्नति मेव भक्त्या ये कार्यन्ति दिन सद्म जिनाकृतिम चे पुण्यम तदीयमय वागपि नैव शक्ता स्तोतुम परस्तिकम कारयितुर्द्वयस्य। आगे श्रावकों का धर्म बताते हुए कहते हैं, यात्रा भी स्नपनेर महोत्सव सतही पूजा भी रुल्लोचक ही नैवेद्य बलभिश्च बलभिर्ध्वजैश्च कलशैः स्तूर्य त्रिकै जागरहि घंटा चामर दर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां भव्या पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये। मंदिर की महिमा बताते हुए कहते हैं, जहाँ मंदिर होता है वहाँ क्या होता है, लोग यात्रा करते हैं मंदिर के लिए, कई बार यात्रा करके आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, कृष्ण अपना ही बहुत बड़ा महामहोत्सव महामस्काभिषेक आदि के आयोजन करते हैं। महोत्सव सतही सैकड़ों उत्सव महोत्सव करते हैं, बड़े बड़े विधान अनुष्ठान करते हैं। अभी मुझे बड़ा आनंद आया, नांदनी में अभी इस कार्तिक की अष्टानिका में कल्पतरु महाविधान का आयोजन हुआ और 2.5 लाख श्रीफल चढ़ा करके पूजा हुई। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं से भी अधिक महान अतिशयपूर्ण पूजा संपादित की गई। मुझे बहुत सुनकर के आनंद आया, उनकी पत्रिका देखी। हमारी संघ की ब्रह्मचारियों ने फोन करके पूछा, ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने फोन करके पूछा, बताया कि हाँ 2.5 लाख से अधिक नारियल चढ़ गए हैं। भव्यात्माओं ने नारियल चढ़ाकर पूजा की कल्पतरु महाविधान, जिस समय मैंने उसकी रचना की थी, समोसरण की पूजा। मुझे आनंद आया कि सचमुच में इन विधान और अनुष्ठानों से आज पंचकल्याण प्रतिष्ठा से भी अधिक महान बड़े बड़े महोत्सव का आयोजन कर करके, पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि को में तो करते ही हैं, इन विधानों के अनुष्ठानों में भी बहुत बड़े बड़े आयोजन करके, कहीं विश्व शांति महावीर विधान आदि अनेकों विधानों के माध्यम से लोग पुण्य का संचय करते हैं। पूजा भी उल्लोचक ही और नैवेद्य आदि चढ़ाकर अनेक प्रकार से ध्वजा चढ़ा करके और कलश स्थापना मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना करके स्वर्ण कलश चढ़ाकर खूब गाजे बाजे के साथ उत्सव करते हैं, जागरण आदि करते हैं, घंटा चामर दर्पण आदि भी घंटा लगाते हैं और चमर आदि वहाँ मंदिर में सजाते हैं। अति शोभा को करके हुए जो भव्य पुण्य का उपार्जन करते हैं, तो ये सब चैत्याली की महिमा है। इसीलिए दिन मंदिर का निर्माण कराने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। न जाने कितने लाखों नखों नहीं करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोग मंदिर में पुण्य का संपादन करते हैं, मंदिर बनाने वाले को उसका पुण्य मिलता चला जाता है। भव्यात्माओं, इसीलिए तो महिमा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि जो तिष्ठन्त्येव महाधिकामर पदम तत्रैव लब्ध्वा चिरम्। जो इस प्रकार से अनुवृत्ति हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और अपने धन का सदुपयोग करके मंदिर का निर्माण कराते हैं, तीर्थों का उद्धार कराते हैं, जीर्णोद्धार कराते हैं, तीर्थों पर जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं और मूर्तियों को, बड़ी बड़ी मूर्तियों को विराजमान करते हैं, वो निश्चित ही महार्दिक पदों को देव में स्वर्ग में उत्तम महार्दिक पदों को प्राप्त करते हैं। पुनः वहाँ के अतिशय सुखों को भोग कर अत्रागत्य यहाँ मनुष्य लोक में आकर और उत्तम कुल में जन्म लेकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके विरागताम च सकल त्यागम च मुक्तास्त था और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके महासाधु बनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये परंपरा सनातन परंपरा अनादि परंपरा चली आ रही है। भव्यात्मा, अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के परंपरा में 14 लाख राजाओं ने
गृहस्थाश्रम में रहते हुए राजपद का उपभोग किया और ऐसे श्रावक धर्म का अनुष्ठान किया, अनंतर दीक्षा लेकर अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी परंपरा 14 लाख राजाओं तक चली आई रही। इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक ये परंपरा चली आई। भव्यात्माओं, ये मोक्ष परंपरा सनातन अनादि, आप भी इसका अनुसरण करें और अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार जिन मंदिर जिन प्रतिमा आदि का निर्माण करके साथ से पुण्य का संपादन करें। देश व्रत द्योतन का सार मैंने आपको सुनाया, आपके जीवन में मंगलकारी हो, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।